नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। CAA, NRC, NPR लगातार यह मुद्दा चला आ रहा है। एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। जहां विरोधी लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं शाहीन बाग में, लगातार एक महीना हो चुका है, जहां ठिठुरती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रात भर बैठते हैं और ये प्रदर्शन लगातार विरोध का चल रहा है। वहीं पर जो सत्ताधारी दल है वह भी यह समझाने में नाकाम रहा है। उसने डोर टू डोर कैंपेन आरंभ किया था कि हम लोगों के घर घर जाकर समझाएंगे इस कानून के फायदे, लेकिन शायद नाकाम रहा है। इसलिए पर्चे बांटना भी आरंभ कर दिए हैं कि घर घर कौन जाएगा, कितने तरह के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, शायद उन सवालों के जवाब देना असंभव है। सारे लोग अनपढ़ नहीं होंगे जो आपकी बातों में आ जाएंगे, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे जिनके आप घर जाएंगे, और जब वह सवाल पूछना आरंभ करेंगे तो सिर्फ आपको वहां से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर जिनका जवाब देना असंभव है और बहुत नामुमकिन भी है। देश के संविधान का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, आ रहा है यह कानून। इस दौरान हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। जदयू के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लगातार पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे थे। नीतीश कुमार ने उनका हाथ भी पकड़ लिया। उनके कहने पर ही नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के अंदर एनआरसी और सीए को लागू नहीं किया जाएगा। और उपाध्यक्ष हैं जो प्रशांत किशोर, वह भी लगातार कह रहे हैं बिहार के अंदर इस असंवैधानिक कानून को जगह नहीं मिलेगी। केरल भी इस बात को कह चुका है, बंगाल ने भी कह दिया है, गैर भाजपाई जितने ही प्रदेश हैं उन्होंने कह दिया है, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में और तमाम जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की भी सरकार है, वह भी इस कानून को लागू करने से कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता भी लगातार कतरा रहे हैं, चाहे वह प्रकाश सिंह बादल क्यों ना हो, वह भी कह रहे हैं कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है, यदि है तो इसमें अल्पसंख्यकों को भी रखा जाना चाहिए। इतनी आलोचनाएं सहनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं प्रशांत किशोर, जिन्होंने कुछ समय पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, 1.4 की औसत से सीट के बंटवारे की बात भी की थी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर, तो लग रहा था कि प्रशांत किशोर शायद पलटी मार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार में फिर उनकी सरकार बनवाएंगे, यह नजर आ रहा था। लेकिन इस दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को धन्यवाद कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से, और कहा है कि जिस तरह कांग्रेस एनआरसी सीए और एनपीआर को लेकर लगातार विरोध का प्रदर्शन कर रही है, उसके लिए मैं उनका समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। इस संबंध में प्रशांत किशोर ने जो यह बात कही है, क्या अब इस पर इनकी आलोचना होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर वरिष्ठ नेता उनकी आलोचना करेंगे, उन्हें निशाने पर लेंगे? यदि उनको निशाने पर लेते हैं तो प्रशांत किशोर भी लगातार पलटवार कर रहे हैं, उनका ही पलटवार होगा। प्रशांत किशोर का यह कहना कितना सही है कि आने वाले समय पर प्रशांत किशोर जदयू को भाजपा से गठबंधन करने देंगे या नहीं करने देंगे, या उनका सहयोगी दल बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, तमाम ऐसे जवाब मिलना बाकी है। लेकिन हमारे व्यूवर्स द्वारा हम आपकी राय को महत्वपूर्ण मानते हैं और आपकी राय बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।